हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसी एकेडमी अमरावती। आई एम अंकुश ठाकरे और मैं यहाँ पे 3 साल से जो भी आपके पेपर 1 के सब्जेक्ट है मेंस में, यानी पूरे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत अच्छा है और स्पेशली आज मैं आपके लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, ये टॉपिक हम कवर करने वाले। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना दोस्तों, तो स्ट्रक्चर में यानी दोनों मिला के स्ट्रक्चर एनालिसिस और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों मिला के 22 क्वेश्चन आते। कितने क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इट मींस 22 क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? 44 मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, 25% वेटेज पेपर 1 का सिर्फ ये दो टॉपिक के ऊपर है। 25% वेटेज, 44 मार्क्स। और ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर करोगे, देखो इस सब्जेक्ट में रटने वाली कोई भी बात नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर एनीथिंग इन दिस सब्जेक्ट। अगर आपकी बेसिक आइडिया क्लियर है और कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्रिस्टल क्लियर है, तो आपका एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा। यानी 44 में से 44 मार्क्स भी आ सकते हैं इस सब्जेक्ट। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट को सही ढंग से कवर किया विद क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको पेपर 1 में कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। आप हमेशा पेपर 1 में आगे ही रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें 100% मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है। आप 100% मार्क्स ला सकते हो। इट मींस 44 मार्क्स इन स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और जो सॉम आता है 12 क्वेश्चन, यानी हाउ मेनी मार्क्स? 24 मार्क्स। तो दोनों मिला से 66 मार्क्स, आप 66 में से 66 ला सकते हो अगर आपकी कॉन्सेप्ट बात क्लियर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर आप हमें एक आधा लेक्चर दीजिए जो ट्रस के ऊपर। सो एज पर द डिमांड ऑफ स्टूडेंट, मैं स्पेशली ट्रसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी हाउ टू कैलकुलेट फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ द ट्रस, हाउ द ट्रस इज बीइंग डेवलप्ड, और जितनी भी कॉन्सेप्ट है ट्रस के बारे में वो हर एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है हमें कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, आप इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते और सारे टॉपिक बहुत आसान है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़िए। मैं जो जो बोलता हूँ उस सबको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। ये सब्जेक्ट मैं पूरा कवर करने के बाद जितने भी यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं या एसएससी में आए हुए एमपीएससी में, इसके वीडियो सब्सक्रिप्शन में सॉल्यूशन आपको फ्री में दे दूंगा, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते। चलिए अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कीजिए आप, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन स्पेशली अगर मेंस की बात करूं तो 6 to 8 मार्क्स सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर, तो इसलिए आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी। चलिए तो ट्रसेस में 4 टॉपिक आते हैं। एक एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रसेस, दूसरा आता है डिफ्लेक्शन इन द स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रसेस, एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन इन द ट्रसेस। थर्ड है एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रसेस, थर्ड टॉपिक आपका एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रसेस, और फोर्थ है आईएलडी यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इन द मेंबर ऑफ द ट्रसेस। तो ये 4 टॉपिक स्पेशली ट्रसेस के ऊपर आते हैं, और इसी के ऊपर सवाल आते हैं। जो मैंने स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट का जो टॉपिक बोला आपको उसमें से सवाल नहीं आते, मेनली सवाल डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर भी होते हैं ट्रस में, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस, डिफ्लेक्शन के ऊपर भी सवाल आते हैं ट्रस में, और आईएलडी के ऊपर भी आते हैं। इनडिटरमिनेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशन है आपका कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें, वो लॉन्ग प्रोसेस का सॉल्यूशन बन जाता, तो वो 1 मिनट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए जनरली उसके ऊपर सवाल नहीं आते। सवाल मेनली जो मैंने टॉपिक 3 का है उसी के ऊपर डिस्कस होता, ठीक है। तो चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंट प्रोसेस। सो इट इज स्टार्टिंग विद द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंट प्रोसेस। एनालिसिस मींस इन सिंपल वर्ड्स आई विल बी सेइंग, एनालिसिस का सिंपल मतलब आप अगर समझ पाए तो मैं सिंपली बोल दूंगा फाइंडिंग द फोर्सेस। एनालिसिस का सिंपल मतलब है फाइंडिंग द फोर्सेस, नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ। एनालिसिस सिंपल मींस फाइंडिंग द फोर्सेस। अगर वो एनालिसिस ट्रस में कर रहे हैं, इट मींस फाइंडिंग द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ द ट्रसेस। इसमें फोर्स फाइंड आउट करने हमें इन द मेंबर ऑफ द ट्रसेस। ओके, सो लेट्स सी हाउ द ट्रस इज बीइंग डू, ट्रस कैसे बनाए उसको जानने की कोशिश करते हैं। Let us suppose this is your simply supported beam. आपका इस simply supported beam मान लें। अगर इस beam के ऊपर
मैं कोई भी ट्रांसवर्स लोड लगाऊं, लेट अस सपोज दिस इज द लोड व्हिच इज एक्टिंग ओवर द सिंपली सपोर्टेड बीम, तो अगर इस बीम के ऊपर मैं अगर कोई भी ट्रांसवर्स लोड लगा दूं, दिस बीम विल बी सब्जेक्टेड टू टू एक्शन, कौन कौन सी, वन बेंडिंग मोमेंट, एक तो इस ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगी, दूसरा इस ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण इसमें क्या आएगी, शियर फोर्स, और क्या आएगा, शियर फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट देयर विल बी अ बेंडिंग स्ट्रेस, इस बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या आएगी, बेंडिंग स्ट्रेस, और इस शियर फोर्स के कारण क्या आएगी, शियर स्ट्रेस, इस शियर फोर्स के कारण क्या आएगी, शियर स्ट्रेस, यानी करेस्पोंडिंग टू ईच एक्शन देयर विल बी अ स्ट्रेस, इफ देयर इज अ बेंडिंग मोमेंट देन देयर विल बी बेंडिंग स्ट्रेस, इफ देयर इज अ शियर फोर्स देन इट विल बी देयर विल बी शियर शियर स्ट्रेस, तो अगर बेंडिंग मोमेंट है तो करेस्पोंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है, और ये बेंडिंग मोमेंट और कुछ नहीं है, मैं समझा दूं आपको कैसे, और अगर शियर फोर्स आ रहा है तो उसकी करेस्पोंडिंग क्या आ रही है, शियर स्ट्रेस, तो अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू अप्लाई द ट्रांसवर्स लोड ओवर द बीम इट विल बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, किसको सब्जेक्टेड होगा वो, बेंडिंग स्ट्रेस को और शियर स्ट्रेस, चलिए कोई बात, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रसेस हम कैसे डेवलप, वाई वी आर यूजिंग द ट्रसेस, तो अगर इसी चक्कर इसी जगह आपने एक बात सोची, इसी जगह आपने एक बात एनालाइज की, या थोड़ा सा आप आगे गए, तो अगर मैं इस मेंबर की लेंथ बहुत ज्यादा करूं, अगर मेंबर की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, इफ स्पैन इज टू हाई देन डिफ्लेक्शन विल बी हाई, ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, इसका तो आप जानते भी हो, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू सिंपली, इफ बीम इज सिंपली सपोर्टेड इन नेचर एंड सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग, what will be deflection, deflection क्या आता है, PL cube upon 48 EI, क्या आता है, PL cube upon 48 EI, it means that अगर मेरा span long होए, अगर मेरा span long रहा, तो deflection उसके cubically proportional है, कैसे proportional है, cubically, तो अगर जितना ज्यादा span होगा उतना ज्यादा क्या होगा, deflection होगा, और आपको ये चीज भी पता है, ये most second most important parameter होता है designing का, we want member to be sufficient stiff, stiffness भी होनी चाहिए, यानी deflection क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये stiffness क्या होती है, strength क्या होती है, stability, ये सारे parameter हम strength of material में define करें, मैं उसके ऊपर भी एक आधा video lecture बना दूंगा आपको, फिलहाल यहाँ पे concept, तो अगर आपकी length ज़्यादा हो गई, तो correspondingly deflection भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, तो corresponding deflection ज़्यादा हो रहा है, और आपको एक चीज़ पता है, We don't permit deflection. हम ज्यादा deflection permit करते हैं क्या? बहुत सारे कोडिजन प्रोविजन पढ़े होंगे आपने इसके लिए RCC और स्टील स्ट्रक्चर में span by 250, span by 325. तो it means that we don't allow the deflection much more. हम ज्यादा deflection allow नहीं करते. तो क्या करेंगे फिर? We have to reduce the deflection. अगर deflection को कम करना है, you have to increase the moment of inertia. आपके पास एक ही choice होती है. आप क्या increase करो? Moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंक्रीज होगा? बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मेंबर. तो अगर आपने इस मेंबर की साइज बढ़ा दी, देयर विल बी इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना यानी क्या करना है? साइज को बढ़ाना. साइज बढ़ाना है देयर इज एडिशन ऑफ मटेरियल. तो आपने मटेरियल ऐड करके क्या करा दी मेंबर की? साइज बढ़ा दी. अब मुझे एक बात बताइए, साइज बढ़ाना है क्या? ये जो मेंबर की साइज बढ़ा रहे हो आप, ये जो मटेरियल आप अप्लाई कर रहे हो, फ्री में आता है? फ्री में आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको इसके लिए अननेसेसरी फिर से क्या करनी पड़ी? कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इट मींस दैट अगर स्पैन बहुत ज्यादा हुआ तो जो बीम है या गर्डर है वो अनइकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता. तो फिर क्या करें? तो इसी का मॉडिफिकेशन करके हमने क्या बना दिया? ट्रसेस. इसी का मॉडिफिकेशन करके क्या बना दिया हमने? ट्रस. और यही हमारा मेन. तो ट्रस बनाना है यानी मैं ये चाहता हूं कि जो भी एक्शन बीम के ऊपर हो रही थी, बीम के ऊपर कौन कौन सी एक्शन हो रही थी? एक तो वो बेंडिंग को सब्जेक्टेड था और दूसरा शियर. तो अगर मैं ऐसी कोई चीज बना दूं जिसमें ये दोनों आ जाए, यानी बीम में बेंडिंग और शियर आ रहा था, तो इस दोनों को समहाउ मैं किसी ऐसे स्ट्रक्चर पे सब्स्टिट्यूट कर दूं जो कि इकोनॉमिकल निकल के आए, और मेरा जो काम था कि बेंडिंग मोमेंट कैरीज करे और शियर फोर्स कैरीज करे वो भी हो जाए. ये दोनों अगर काम हो जाए मेरे, तो इट मींस दैट मेरा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? इकोनॉमिकल.
बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस बेंडिंग स्ट्रेस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू फाइंड दैट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टॉप पे आ रही बराबर, और इस रीजन में बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? कम। इस रीजन में बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? कम है। इट मींस जो बीम आपने यूज किया उसकी स्ट्रेंथ तो हर जगह सेम रहेगी। तो अगर आपका बेंडिंग स्ट्रेस बहुत कम है और आपने यहां पे भी मटेरियल सेम दिया जितना इसमें दिया है तो ये वेस्टेज हो रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि ये मटेरियल सेव हो जाए, ये मटेरियल क्या हो जाए? सेव हो जाए। तो हम यही काम करते हैं किस में? ट्रस में। अब देखो इस बेंडिंग को मैं ट्रस में इक्विवेलेंट कॉम्प्रेशन और टेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते, इक्विवेलेंट कॉम्प्रेशन और टेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते, ये देखिए। Can I replace this stress with equivalent force? क्या मैं इस स्ट्रेस को इक्विवेलेंट फोर्स में रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता। कैसे? You know the variation of this stress which is linear in nature and you also know the area over which it is acting. आपको एरिया भी पता है इसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो by using the multiplication of area with the stress you can calculate the force. आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स? अब सिंपली डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि लीनियर वेरिएशन नहीं है, ट्रायंगुलर होगा तो डायरेक्टली नहीं आएगा। आपको इसका एरिया फिर इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली फोर्स मिल जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी करते हैं। तो वो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है क्या मैं स्ट्रेस को इक्विवेलेंट फोर्स में रिप्लेस कर सकता हूं? हां बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए, आई कैन रिप्लेस दिस स्ट्रेस विद एन इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिमिलरली मैं यहां पे भी यही काम कर सकता हूं, आई कैन रिप्लेस दिस स्ट्रेस विद एन इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉप में भी मैं उसको फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूं और बॉटम में भी क्या कर सकता हूं? फोर्स से रिप्लेस। अगर आप इस स्ट्रेसेस का नेचर देखो तो टॉप में अबो दिस न्यूट्रल एक्सिस इट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेशन एंड बिलो दिस न्यूट्रल एक्सिस इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। इट मीन्स दैट अगर इस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस का मैंने रिजल्टेंट निकाला तो ये कौन सा फोर्स होगा? कॉम्प्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉम्प्रेसिव फोर्स। एंड हियर इट विल बी अ टेंसाइल फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा? टेंसाइल फोर्स। क्लियर है सभी? तो दिस विल बी अ कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड दिस विल बी अ टेंसाइल फोर्स। तो यहां से एक चीज समझ में आई, तो अगर मैं बीम में देखू तो टॉप में कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है और बॉटम में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और इसी के बीच का अगर लीवर आर्म देखो तो ये दोनों मिला के और कुछ नहीं है, क्या डेवलप कर रहा है? बेंडिंग मोमेंट। क्या डेवलप कर रहा है? बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मैं somehow कोई मेंबर टॉप में जोड़ दूं जो इस कॉम्प्रेशन को कैरी करे और कोई मेंबर बॉटम में जोड़ दूं जो इस टेंशन को कैरी करे तो मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा क्योंकि उस बेंडिंग को मैंने इक्विवेलेंट कॉम्प्रेशन और टेंशन में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। तो सेम काम करेंगे हम, क्या करेंगे? विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम, हम यहां से मटेरियल को हटा देंगे क्योंकि वैसे भी वहां पे स्ट्रेस बहुत कम आ रही थी तो मटेरियल का उतना यूज नहीं था। तो हम मटेरियल को यहां से हटा दें, रिमूव द मटेरियल फ्रॉम, और क्या करेंगे? टॉप में एक मेंबर दे देंगे। टॉप में क्या करेंगे? मेंबर दे, जो किसको कैरी करेगा? इस कॉम्प्रेसिव फोर्स को। किसको कैरी करेगा? इस कॉम्प्रेसिव फोर्स को। और बॉटम में भी एक मेंबर दे देता हूं इसी प्रकार, आई बी गिविंग दी अनदर मेंबर एट दी बॉटम आल्सो, बॉटम में भी मैं एक मेंबर दे देता हूं व्हिच विल कैरी व्हाट? ये बॉटम मेंबर कौन क्या कैरी करेगा? दिस बॉटम मेंबर विल कैरी टेंशन। ये क्या कैरी करेगा? टेंशन। तो चलिए यहां से एक क्लियर हो गया कि अगर मैंने बीम को किसी ऐसे दो स्ट्रिप से रिप्लेस कर दिया जो कि वही काम कर रहा है जो बीम कर रहा था, यानी बीम क्या कर रहा था? इट वॉज कैरिंग, टॉप पे कौन सा फोर्स कैरी कर रहा था? कॉम्प्रेशन, और बॉटम में टेंशन। यही दोनों मिला के क्या, यही दोनों कपल फॉर्म करके क्या डेवलप कर रहे थे? बेंडिंग मोमेंट। तो इसी का काम मैंने किससे करवा दिया? इन दो स्ट्रिप से। किससे करवा दिया? दो स्ट्रिप से, जो कि टॉप में क्या कैरी करेगा? कॉम्प्रेशन, और बॉटम में टेंशन। तो क्या बीम में सिर्फ बेंडिंग ही एक्शन होती है? क्या सिर्फ बीम में बेंडिंग ही एक्शन होती है? जवाब क्या आएगा? नो। क्यों? साथ में कौन आ रहा है? साथ में कौन आ रहा है? शियर भी आ रहा है। साथ में कौन आ रहा है? शियर। इट मींस
पेंडिंग की तो कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवाई, कैसे? बाय अप्लाइंग इक्विवेलेंट कंप्रेसिव फोर्स एट द टॉप एंड इक्विवेलेंट टेंसाइल फोर्स एट द बॉटम। तो ये पेंडिंग को जो ऑप्शन है ये रिप्लेस हो गई किसमें? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एट द टॉप एंड टेंशन एट द बॉटम। टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन। तो आपको ये बात समझ में आ गई है? अभी टॉप में कंप्रेसिव मेंबर है और बॉटम में टेंसाइल मेंबर। टॉप में कौन सा मेंबर है? कंप्रेसिव, बॉटम में टेंसाइल। अब इसमें कहीं बेंडिंग नहीं आएगी क्योंकि इसी बेंडिंग को इक्विवेलेंट इफेक्ट में कन्वर्ट किया है आपने इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एट द टॉप एंड टेंशन एट द बॉटम। ये मत बोल देना इसमें भी अब बेंडिंग मोमेंट आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि इसी बेंडिंग को तो आपने कन्वर्ट किया है कंप्रेशन और टेंशन के फॉर्म में, तो इसमें बेंडिंग कैसे आ सकती? तो देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट इन दिस पार्ट जो अभी हमने बनाया है, इसमें कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं। चलिए, तो इसके एक्शन तो हमने समझ कि टॉप में कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, टॉप में कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है और बॉटम में टेंसाइल फोर्स। तो ये जो बीम काम कर रहा था वो तो काम हमारा बन गया, लेकिन और एक काम बचा है, कौन सा? वी आर लेफ्ट आउट विद द शियर। हमारे पास क्या बचा है? शियर। तो अब शियर को भी कैरी करवाना है, तो शियर को कैरी करवाने के लिए हम ट्रस में इंक्लाइन मेंबर देते। कौन से मेंबर देते? इंक्लाइन। कौन से मेंबर? इंक्लाइन। वी गिव द इंक्लाइन मेंबर इन द ट्रस टू कैरी द शियर को कैरी करने के लिए कौन से मेंबर देते? इंक्लाइन मेंबर। कौन से? इंक्लाइन मेंबर। एंड दिस इंक्लाइन मेंबर इज इक्विवेलेंट टू द शियर स्ट्रेस इन द बीम। अब इस इंक्लाइन मेंबर के इक्विवेलेंट नहीं है, इस इंक्लाइन मेंबर में जो भी फोर्स आ रहा है वो फोर्स इक्विवेलेंट है किसके? जो बीम में शियर, किसके? जो बीम में शियर आती है उसके इक्विवेलेंट है मेंबर, इसके इक्विवेलेंट नहीं। इस मेंबर में जो भी फोर्स आ रहा है उस फोर्स का इक्विवेलेंट कौन है? बीम में जो शियर स्ट्रेस है। और ये जो इंक्लाइन मेंबर है कैरीज दी फोर्स और कैरीज दी शियर स्ट्रेस इन दी फॉर्म ऑफ एक्सियल लोड। किसके फॉर्म में? एक्सियल लोड। अब एक्सियल लोड कोई भी हो सकता है, इट मे बी कॉम्प्रेशन और इट मे बी टेंशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट मे बी टेंशन और इट मे बी कॉम्प्रेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए, ऐसे करके हमने किसको बनाया? ट्रस को। दिस इज हाउ वी हैव डेवलप्ड द ट्रस, इन विच टॉप मेंबर विल कैरी द कॉम्प्रेशन, बॉटम मेंबर विल कैरी द टेंशन एंड इंक्लाइन मेंबर मे कैरी टेंशन मे कैरी कॉम्प्रेशन, बट वॉट एवर द फोर्स is happening in the inclined member is similar to that of the shear stress in the beam. वो किसके similar होगा? Shear stress in the beam. This is how we have developed the truss. ऐसे हमने क्या किया? Truss को develop. अब जैसे develop किया वैसे उसकी definition बना सकते हैं। कैसे? अब मैं trusses को define करता हूँ। Up till now I was trying to introduce what exactly the truss. अब मैं truss को define करता हूँ। Actually मैं truss है क्या? देखिए। अब ये समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं। आप नोट्स की चिंता ना करें, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ इस सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी खुद की रिटर्न नोट्स है, पूरी की पूरी नोट्स क्लियर करके आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो उसकी चिंता ना करें, ठीक है? चलिए, नाउ वी विल डिफाइन द ट्रस। अब हम क्या करेंगे? ट्रस को डिफाइन। देखिए, ट्रस को किसने क्या कहा था? हमने टॉप मेंबर विल बी सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेशन, बॉटम मेंबर विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड इंक्लाइन मेंबर मे बी सब्जेक्टेड टू टेंशन और मे बी सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेशन। तो आप अगर इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो मैं सिर्फ दो ही बातें करूं, टेंशन कॉम्प्रेशन, टेंशन कॉम्प्रेशन। कहीं पे भी मैंने बेंडिंग मूवमेंट की बात की? कहीं पे भी मैंने शेयर फोर्स की बात की क्या? नहीं, क्योंकि उसी बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स को आपने इक्विवेलेंट इफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड टेंशन। दैट्स व्हाई ट्रस मेंबर will not be subjected to any bending moment, it will be only subjected to the compression and tension, that is axial force. Kisko subjected hoga? Axial force. To yehi se hum truss ko define karte hain. Truss is a structure in which all the member are subjected to either tension or compression, nowhere it is subjected to bending moment. Bending moment isme kahin pe bhi nahi hoga. Clear? To jaise banaya waise usko kya kya define kiya? Truss is a structure in which all the member are either subjected to tension, किसको subjected होगे? Tension को, या दूसरा
कॉम्प्रेशन. किसको सब्जेक्टेड हो गए? कॉम्प्रेशन. देर विल बी नो बेंडिंग मूवमेंट इन द ट्रस. ट्रस में क्या नहीं होगी? नो बेंडिंग मूवमेंट. हियर वी हैव डिफाइंड द ट्रस. इट इज द स्ट्रक्चर इन विच ऑल द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कॉम्प्रेशन. किससे सब्जेक्टेड है? टेंशन एंड कॉम्प्रेशन. नो वेयर इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग. क्लियर? क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स क्यों नहीं होगा? इसी बेंडिंग और शेयर को रिप्लेस करके तो आपने इक्विवेलेंट इफेक्ट में डेवलप कर दिया कॉम्प्रेशन और टेंशन में. तो देयर विल बी नो बेंडिंग मूवमेंट है शेयर फोर्स. तो जैसे आपने ट्रस को डिफाइन किया, अब आपको ट्रस की एनालिसिस करते समय दो अजम्पशन लेने पड़ जाएंगे. कौन कौन से दो अजम्पशन? अभी देखिए. तो हमने बोला इट इज अ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कॉम्प्रेशन. अगर सारे मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कॉम्प्रेशन है, तो जब भी आप इसकी एनालिसिस करोगे, यानी जब भी इसमें फोर्सेस फाइंड आउट करोगे, तो एक चीज तो तय है कि आने वाले फोर्सेस सिर्फ टेंशन या कॉम्प्रेशन होगी. इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हो सकता. बेंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि बेंडिंग को ही आपने रिप्लेस कर दिया, और ना ही शेयर होगा क्योंकि शेयर नहीं आपको रिप्लेस करके इंक्लाइन मेंबर बनाए. बराबर? तो ये नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स आना ही नहीं चाहिए. तो ये नहीं आना चाहिए, इसलिए आपके दो अजम्पशन और होते हैं ट्रस्ट. और उसी अजम्पशन के बेसिस पे आपकी आगे आने वाली पूरी एनालिसिस चलती है. अगर वो दो अजम्पशन वैलिड नहीं है तो आपकी पूरी एनालिसिस हो ही नहीं सकती उसको. तो कौन कौन से अजम्पशन? तो ये अजम्पशन और कुछ नहीं है, ट्रस्ट को जो डिफाइन किया हमने उसी को टेक केयर करने के लिए, यानी उसी का ध्यान रखने के लिए हमने दो अजम्पशन करे. कौन से? हमने पहला, सबसे पहला अजम्पशन, लेट अस डिफाइन फर्स्ट अजम्पशन. तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट. तो देयर आर टू अजम्पशन विच विल बी यूजिंग इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट. हम दो अजम्पशन यूज. पहला अजम्पशन क्या है? ऑल द मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट. सारी मेंबर क्या होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए. एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स. किससे कनेक्टेड होंगे? स्मूथ पिन से. अब एक बार और सोचो थोड़ा सा, सच में स्मूथ पिन्स होगी? ये रियलिटी में स्मूथ पिन्स होगी? बिल्कुल नहीं. अरे होती तो मानता क्या मैं? नहीं. मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल द मेंबर आर स्ट्रेट एंड कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स. तो ये रियलिटी में स्मूथ पिन्स होगी क्या? नहीं. ये बोल्ट होते हैं बड़े बड़े, फिर हमने इसको स्मूथ पिन्स क्यों बोला? क्योंकि वी डोंट कंसिडर द फ्रिक्शन बिटवीन देम. यहाँ पे जो बोल्ट लगे होते उनके बीच का फ्रिक्शन हम कंसिडर ही नहीं करते. दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम इट टू बी स्मूथ पिन्स. होती वो बोल्ट है, उसके बीच में फ्रिक्शन भी होता है. बट इन केस ऑफ व्हेन वी एनालाइज द ट्रस, जब हम ट्रस को एनालाइज करेंगे, वी डोंट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन का इफेक्ट कंसिडर ही नहीं करते. दैट इज व्हाई वी हैव अज्यूम इट टू बी फ्रिक्शनलेस. इसलिए मैंने इसको स्मूथ पिन्स कहा. लिटरल मीनिंग मत ले लेना. स्मूथ पिन्स है वो, स्मूथ पिन्स लगा के कर दिया आपने. तो ट्रस है वो बहुत बड़ा होता है, दिखने के लिए बहुत छोटा दिख रहा है. तो आपने देखोगे रेलवे ब्रिज, तो उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रस लगे होते हैं. तो यही काम होता है उसका. तो वहां पे देखना बोल्ट होती है, स्मूथ पिन्स नहीं होती. ठीक है? चलिए. तो पहला अजम्पशन क्या बोला मैंने? ऑल द मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट एंड कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स. अब ये अजम्पशन क्यों बोला? क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमने ट्रस को कैसे डिफाइन किया. It is structure in which all the member are subjected to tension and compression. किसको subjected हो? Tension and compression. तो अगर मैंने ये assumption नहीं लिया होता पहला, जो मैंने पहला assumption लिया, all the member are straight and connected by smooth pins. किससे connected हो? Smooth pins. तो क्या इस assumption का मतलब? तो अगर मैंने ये assumption नहीं लिया होता और member curved हो जाता, all the मैंने क्या बोला? All the member are straight and connected by smooth pins. तो अगर ये member straight नहीं होता तो curve linear होता. तो let us suppose मान लेते member कुछ ऐसा, बराबर? तो member कुछ ऐसा होता और मैंने load मान लेते यहाँ पे लगा दिया. अब आप खुद ही देखिए इस load को इस member के about eccentricity मिल रही है. क्या मिल रही है? Eccentricity. It means this load will produce bending moment in the member of what? किसमें बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? वो ट्रस के मेंबर में. और अभी हमने ट्रस को डिफाइन किया, मैंने क्या बोला? ट्रस वो स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ क्या होगा? टेंशन है कॉम्प्रेशन. और मैं अगर कर्वेलिनियर मेंबर दे दूं तो इसमें क्या डेवलप हो रही? बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो रही. तो जैसे ही बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो गई, वो ट्रस रहा ही ट्रस रहा के फिर नहीं, बिल्कुल वो क्या बन गया? फ्रेम बन गया. क्या बन गया? फ्रेम. तो अगर वो टेंशन और कॉम्प्रेशन के अलावा बेंडिंग मोमेंट आ रही है, शियर फोर्स आ रहा है, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रस. वो ट्रस नहीं रहेगा क्योंकि ट्रस को डिफाइन किया है हमने
डेवलप करके लिटरली डिफाइन किया है, इट इज द स्ट्रक्चर कि ट्रस्ट वो स्ट्रक्चर है जिसमें सारे मेंबर एक तो टेंशन को सब्जेक्टेड होंगे या तो कॉम्प्रेशन को सब्जेक्टेड, उसमें कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट आनी नहीं चाहिए। क्लियर है पहला अजम्पशन? तो पहला अजम्पशन यही बोला था, ऑल दी मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट, सारे मेंबर क्या होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स। किससे कनेक्टेड होंगे वो? स्मूथ पिन से। तो सारे मेंबर स्ट्रेट होने चाहिए एंड कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स, तभी जाके हमारा ट्रस का जो डेफिनेशन हमने बनाया था वो वैलिड है। तो दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या बोला हमने? ऑल दी मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट एंड कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स। तो इसमें दो पॉइंट निगलेक्ट हो रहे, स्मूथ पिन्स बोल के हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया और स्ट्रेट कर दिया, इट मींस देयर विल बी नो बेंड, देयर विल बी नो बेंड। ये पहला अजम्पशन। नाउ वी मूव टू द सेकंड अजम्पशन। हम किसमें मूव करेंगे? सेकंड अजम्पशन क्या कहता है? लोड मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट। अब इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि लोड सिर्फ कहां पे अप्लाई करने है आपको? जॉइंट। क्यों भाई? लोड अगर मैंने बीच में अप्लाई कर दिया तो क्या दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत। अगर आपने लोड को मिडल में अप्लाई कर दिया, दिस मेंबर अगेन विल सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। किसको सब्जेक्टेड हो जाएगा? बेंडिंग। अगर उसमें बेंडिंग आ गई, क्या वो ट्रस रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रस में सिर्फ क्या आता है? टेंशन और कॉम्प्रेशन। ट्रस विल कैरी ओनली टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। इट मींस आप मिडल में लोड अप्लाई कर नहीं सकते। अगर आपने मिडल में लोड अप्लाई कर दिया, वो ट्रस नहीं रहा, वो फ्रेम बन जाए, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी? बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट आ गई, इसका मतलब वो ट्रस नहीं रहा, क्योंकि ट्रस को हमने पीछे डिफाइन किया। बिफोर डिफाइनिंग दिस अजम्पशन, मैंने ट्रस को पीछे डिफाइन किया। तो ये ट्रस डिफाइन हो गया, तो ये अजम्पशन किसके लिए ले रहे हैं? इस ट्रस में टेंशन और कॉम्प्रेशन को निकालने के लिए। और अगर उसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रही है, तो ये ट्रस कहां से रहा अभी? क्लियर? तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट अजम्पशन इन द ट्रस। ये दो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है ट्रस। अब इसी का यूटिलाइज करके आपको एक सवाल छोड़ते हैं। बहुत आसान है, दो अजम्पशन को समझ गए, इट मींस यू विल गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाउट नहीं। क्लियर? व्हाट एग्जैक्टली थी ट्रस? ट्रस क्या है वो समझ लिया हमने, और ट्रस के दो अजम्पशन भी अंडरस्टैंड कर लिए कि ट्रस में दो अजम्पशन जो भी यूज करेंगे हम, ये अजम्पशन पूरे वैलिड होंगे किसमें? एनालिसिस। यानी अजम्पशन वैलिड नहीं है, आपकी आगे आने वाली पूरी एनालिसिस बेकार है। विदाउट दिस अजम्पशन आप एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे ट्रस। ऐसा नहीं हुआ तो बेंडिंग मोमेंट आएगी, अब बेंडिंग मोमेंट आएगी तो वो ट्रस नहीं रहेगा। इट मींस यू आर नॉट एनालाइजिंग द ट्रस, यू आर एनालाइजिंग द फ्रेम। आप फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक कहाँ आ गया? एनालिसिस ऑफ स्टैटिकली डिटरमाइंड ट्रस, ठीक है। तो तीन पॉइंट अंडरस्टैंड किया हमने। एक, हमने ट्रस को डिफाइन किया। ट्रस को क्या बोला हमने? ट्रस वो स्ट्रक्चर है जिसमें सारे मेंबर सिर्फ एक्सियल फोर्स को सब्जेक्टेड है। एक्सियल फोर्स है, हो सकता है वो टेंशन है या हो सकता है वो कॉम्प्रेशन। फिर हमने लिया अजम्पशन, दो अजम्पशन लिए हमने। दो अजम्पशन कौन कौन से? पहला, ऑल दी मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट, सारे मेंबर क्या होने चाहिए? स्ट्रेट एंड कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स। ये क्यों होनी चाहिए वो भी अंडरस्टैंड किया। और दूसरा अजम्पशन लिया मैंने, लोड मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट। लोड कहां अप्लाई करना है? सिर्फ आपको जॉइंट। क्यों? अदर जगह अप्लाई किया तो बेंडिंग मूवमेंट आएगी, और बेंडिंग मूवमेंट आएगी तो ट्रस होगा, ठीक है। अब इन दो अजम्पशन को यूटिलाइज करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व। बहुत आसान है, वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, यू आर क्रिस्टल क्लियर इन कॉन्सेप्ट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन। चलिए इसी को समझो। तो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, ये हमारा सवाल क्या, मैं समझाता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर बेंडिंग मोमेंट विल एग्जिस्ट, इनमें से कौन से मेंबर में बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट होगा? अगर मैं ऑप्शन देना चाहूं आपको, मैं बोलूंगा ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी, और चौथा बोलूंगा नन ऑफ दी। चौथा कौन सा? नन ऑफ दी। तो सवाल क्या पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर बेंडिंग मोमेंट विल ऑकर, इनमें से कौन से मेंबर में बेंडिंग मूवमेंट ऑकर होगी? अब आसान सी बात है, बेंडिंग मूवमेंट कब ऑब्जर्व, कब ऑकर होती है, इसके लिए दो अजम्पशन लिए आपने पीछे कि अगर मेंबर कर्व्ड है
तो कौन आएगा? बेंडिंग मोमेंट आएगा, कोई भी मेंबर कर्व आएगा? नो, देयर इज नो मेंबर कर्व इन दिस ट्रंक। इट मींस पहला अजम्पशन तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा अजम्पशन क्या है? लोड मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट दी जॉइंट। लोड कहां पे अप्लाई करना है? सिर्फ आपको जॉइंट पे। क्या लोड जॉइंट पे अप्लाई है? बिल्कुल जॉइंट पे अप्लाई है। इट मींस दोनों अजम्पशन सेटिस्फाइड हो गए। ऑल दी मेंबर आर स्ट्रेट कनेक्टेड बाय स्मूथ पिंस, क्लियर, एंड लोड इज अप्लाइड ओनली एट दी जॉइंट। तो ये दोनों अजम्पशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसका मतलब देयर विल बी नो मेंबर, ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसमें बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट दी, क्लियर। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आपका अजम्पशन या जो भी थ्योरी हो, कॉन्सेप्चुअली अगर क्लिस्टर क्लियर है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोई भी टॉपिक आगे चल के आप पढ़ेंगे तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, विल मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट के ऊपर जाते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? एनालिसिस ऑफ दी स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट। और मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज एनालिसिस ऑफ दी स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। आप सभी को बताए हो तभी डिस्कस कर लेता हूं। इन अ ट्रस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन 2j-3। किससे रिलेटेड है ये? 2j-3। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट आर रिलेटेड विद एन इक्वेशन m = 2j-3। अभी इक्वेशन कहां से है उसको भी समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते। देखिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म द ट्रस्ट, अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, यू हैव टू टेक इनिशियली 3 मेंबर। कितने मेंबर लेने पड़ेंगे? यू हैव टू टेक इनिशियली 3 मेंबर। आपको इनिशियली कितने मेंबर लेने पड़े? 3 मेंबर। देखिए, 3 मेंबर लेने पड़े, क्लियर। यू हैव टू टेक इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स? 3। तो इनिशियली आपको 3 मेंबर लगे ट्रस्ट को बनाने के लिए, बराबर। यानी आप खुद से सोचे तो 3 मेंबर के साथ साथ कितने ज्वाइंट आ रहे? 3 ज्वाइंट आ रहे, क्लियर। अगर आप कोई भी एडिशनल ज्वाइंट ऐड कर दे, ऐड वन एनी वन पर कोई भी ज्वाइंट ऐड कर, लेट अस सपोज मैंने ये ज्वाइंट ऐड कर, तो इन ऑर्डर टू फॉर्म द ट्रस्ट एक ज्वाइंट ऐड कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको 2 मेंबर ऐड करने, कितने मेंबर ऐड करने पड़ेंगे? 2। तभी जाके क्या बनेगा? ट्रस्ट बनेगा। कोई भी और ज्वाइंट ऐड करके देखो, इफ यू ऐड अनदर ज्वाइंट अगेन यू हैव टू ऐड 2 मेंबर, अगेन यू हैव टू ऐड 2 मेंबर। तो सोचो अगर तो ईच जॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितने मेंबर ऐड करने पड़े? 2। कितने मेंबर? 2। ईच जॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितने मेंबर ऐड करने पड़े? 2 मेंबर, 1 और 2। इट मींस m इज इक्वल टू 2j, m इज इक्वल टू 2j। कैसे? ईच जॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर। ईच जॉइंट करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी मेंबर? 2 मेंबर। लेकिन ईच जॉइंट के भी करस्पॉन्डिंग कितने आएंगे? ईच जॉइंट के मेंबर भी करस्पॉन्डिंग कितने आएंगे? 2j। इसके भी करस्पॉन्डिंग 2, इसके भी करस्पॉन्डिंग 2। लेकिन आपने इसमें इनिशियली 3 ऐड किए थे, इसमें इनिशियली कितने ऐड किए थे? 3। उन 3 को क्या कर दो? सबट्रैक्ट। उस 3 को क्या कर दो? सबट्रैक्ट। यू विल गेट द इक्वेशन दैट इज m = 2j-3। दिस इज हाउ द इक्वेशन ऑफ द ट्रस्ट इज बिल्ट। इस प्रकार से इस ट्रस्ट के इक्वेशन को देखो। समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ। आपको ट्रस्ट बनाने के लिए इनिशियली कितने जॉइंट लगे? 3 जॉइंट लगे और उसके करस्पॉन्डिंग 3 मेंबर लगे, 1, 2 और 3। अब आप हर एक एडिशनल जॉइंट जो भी ऐड कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग कितने मेंबर लग रहे? 2 मेंबर। आप कोई भी जॉइंट ऐड करो उसके करस्पॉन्डिंग कितने मेंबर लग रहे? 2 मेंबर, क्लियर। इट मींस ईच जॉइंट कैरीज हाउ मेनी मेंबर्स? 2 मेंबर्स। ईच जॉइंट कैरीज हाउ मेनी मेंबर्स? 2 मेंबर्स। तो इनिशियली आपने 3 एक्स्ट्रा कंसिडर किए थे, उसको क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट। यू विल गेट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, मान लेते हैं मेरे पास टोटल जॉइंट कितने हैं? जे। मेरे पास टोटल जॉइंट कितने हैं? जे। अगर मैं इसमें से इनिशियली जो थे मेरे पास 3 जॉइंट उसको अगर सबट्रैक्ट कर दूं, उसको अगर क्या कर दूं? सबट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास कितने जॉइंट बचे? j-3। कितने जॉइंट बचे? j-3। और इस j-3 के करस्पॉन्डिंग आपको कितने मेंबर लगेंगे? 2 मेंबर। कितने मेंबर लगेंगे? 2। इट मींस m इज इक्वल टू ये j-3 के करस्पॉन्डिंग कितने मेंबर लगेंगे? 2 मेंबर्स, 2, बराबर। ये j-3 जो जॉइंट है, ईच जॉइंट कैरीज 2 मेंबर, तो j-3 कितने कैरी करेंगे? 2 into j-3 कितने कैरी करेंगे? 2 into j-3।
ये हो गए हर एक जॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेंबर, और इनिशियली आपने तीन पहले ही कंसिडर किए थे, कितने थे तीन, तो उसमें क्या कर दो ऐड कर दो, इट विल बी 2j-6+3, इट विल सी इज 2j-3। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते, आप जो आपको मैंने ये तरीका भी समझाया तो ये तरीका भी, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एलेक्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ ट्रस्ट, ये मेंबर जो है ट्रस्ट में, ये जॉइंट से इस तरह से रिलेटेड है, यम इज इक्वल टू 2j-, ऐसे रिलेटेड है यम इज इक्वल टू 2j-। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया, इफ यू सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन यू विल गेट परफेक्ट एंड स्टेबल ट्रस्ट। कैसा ट्रस्ट मिलेगा? परफेक्ट एंड स्टेबल ट्रस्ट, विल गेट परफेक्ट एंड स्टेबल ट्रस्ट, क्लियर है? कैसा ट्रस्ट मिलेगा आपको? परफेक्ट एंड स्टेबल ट्रस्ट, क्लियर है? अगर मेंबर ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू 2j-3, अगर मेंबर ज्यादा हो गए इट मींस यू हैव एडिशनली एडेड द मेंबर, अगर आपने मेंबर को एडिशनली ऐड कर दिया तो वो इनडिटरमिनेट हो जाए, वो क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट, क्योंकि स्ट्रक्चर को आपने स्टिफ बनाने के लिए और एक मेंबर ऐड कर दिया, तो यू आर एडिंग एन एक्स्ट्रा मेंबर, द स्ट्रक्चर विल बी स्टिफ एंड इट विल आल्सो बी रिडंडेंट, वो क्या बन जाएगा? रिडंडेंट बन जाएगा, यानी इनडिटरमिनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इनडिटरमिनेट। लेकिन स्टेबल तो वो तब भी रहेगा क्योंकि मेंबर जॉइंट से ज्यादा ही, मेंबर जॉइंट से क्या ज्यादा ही, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या रहेगा? स्टेबल। लेकिन अगर आपके मेंबर मेंबर 2j-3 से कम हो गए, अगर आपके मेंबर 2j-3 से कम हो गए तो आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। कैसे? क्योंकि हर एक करस्पॉन्डिंग जॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको दो मेंबर चाहिए, और अगर आपने सिंपली एक ही मेंबर दे दिया, मान लेते इस जॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने एक ही मेंबर दे दिया, जैसे ही आप जॉइंट पे लोड अप्लाई करोगे ये बकल हो जाए, ये क्या हो जाए? बकल। तो इसलिए बकल हो गया यानी फेल कर गया, तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? अनस्टेबल ट्रस्ट। कैसा ट्रस्ट बना? अनस्टेबल ट्रस्ट। इसीलिए अगर मेंबर 2j-3 से कम हो गए, एक तो ट्रस्ट अनस्टेबल बन जाएगा, बराबर। अगर 2j-3 के एग्जैक्ट बराबर हो गए तो ट्रस्ट विल बी परफेक्ट एंड इट विल आल्सो बी स्टेबल, परफेक्ट भी होगा और स्टेबल भी होगा, क्लियर। और अगर कम हो गए तो ट्रस्ट विल बी अनस्टेबल, ट्रस्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले दो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड की, हमने अजम्पशन समझे उसके ऊपर सवाल सॉल्व किए, और हमने कहा ट्रस्ट में इक्वेशन ऐसे रिलेटेड है उसके बेसिस पे भी हम क्या करेंगे? सवाल सॉल्व। चलिए अब ये यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, m is equal to 2j-3, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका आंसर आता है। कोई भी सवाल, लेट अस सपोज ऐसे कोई भी ट्रस्ट, ऑल द मेंबर आर स्ट्रेट, जब भी ट्रस्ट बनाओगे तो इस बात का विशेषता ख्याल रखना है आपको कि सारे मेंबर क्या होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए, सारे मेंबर क्या होने चाहिए? स्ट्रेट, क्योंकि अजम्पशन एनालिसिस, अगर अजम्पशन वैलिड नहीं है तो पूरी एनालिसिस वैलिड नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मेंबर दैट ऑल द मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन्स, किससे कनेक्टेड होने चाहिए? स्मूथ पिन्स। तो दिस इज योर ट्रस्ट, ये आपका क्या है? ट्रस्ट, क्लियर। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या है ट्रस्ट? चार ऑप्शन देता हूं, परफेक्ट है, परफेक्ट एंड स्टेबल है, क्या है ट्रस्ट? परफेक्ट एंड स्टेबल है, चार ऑप्शन देता हूं, क्या है ट्रस्ट? परफेक्ट एंड स्टेबल है। दूसरा, क्या अनस्टेबल है यानी डिफिशियंट है, अनस्टेबल है? तीसरा, क्या रिडंडेंट है? क्या रिडंडेंट है यानी इनडिटरमिनेंट है? रिडंडेंट यानी इनडिटरमिनेंट है। चौथा, नन ऑफ दी, फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहा हूं? नन ऑफ दी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप समझ सकते, ठीक है। तो देखिए ट्रस्ट ऑब्जर्व कीजिए, परफेक्ट और स्टेबल होने के लिए आपको इक्वेशन पता है, इन चारों कंडीशन में से एक ना एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अगर कोई नहीं हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है m is equal to 2j-3, काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 और 2, 6, तो कितने मेंबर है हमारे पास? 6 मेंबर। जॉइंट कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, वी हैव 4 जॉइंट, तो इट विल बी 2 × 4-3, तो कितना आ गया? -3। हाउ मेनी आर देयर?
it will be 8 minus 3, so it will be 5. It means members are greater than the joint. Joint se member kya? Jada. So plus will be redundant. Plus kya ban jayega? Redundant ban jayega. Trust will be redundant in nature. अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को गेन किया होगा जब मैंने ट्रस्ट बनाया था तो आपको इक्वेशन लगाने की जरूरत है कैसे मुझे एक बात बताइए टॉप मेंबर विल कैरी टेंशन बॉटम मेंबर विल कैरी सॉरी टॉप मेंबर विल कैरी कंप्रेशन बॉटम मेंबर विल कैरी टेंशन और इंक्लाइन मेंबर किसको कैरी करे शियर को तो जब तुम्हारे पास शियर कैरी करने के लिए एक ऑलरेडी मेंबर है तो तुमने इस मेंबर को अननेसेसरी दिया इस मेंबर को क्या गया अननेसेसरी दिया तो वही क्या बन जाएगा तुम्हारा रिडंडेंट मेंबर क्या बन जाएगा तो इक्वेशन को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने थोड़ा सा बेसिक लॉजिक अप्लाई किया यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस इक्वेशन m = 2j - 3 m = ये वो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको ट्रस्ट बनाते समय आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि शेयर कैरी करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास इनडाइन मेंबर है और मैंने एक्स्ट्रा दिया तो वही मेरा मेंबर इनडिटरमिनेट है इनडिटरमिनेट यानी रिडंडेंट क्या है रिडंडेंट तो आंसर डायरेक्टली क्लियर Answer option will be clear. तो ये थे assumption used in the analysis of truss के ऊपर और ये m is equal to 2j minus 3 के ऊपर दो सवाल किए हैं. अब हम main point के ऊपर आते हैं. जो हमारा main point था, we'll be analyzing the truss. Truss को analyze करेंगे और specially कौन सा truss है हमारा? Determinant truss. और analysis का मतलब बताया मैंने आपको simply finding the forces in the member of truss. क्या find out करने हैं? Forces किस में? In the member of the क्लियर सो वी बी एनालाइजिंग द मेंबर ऑफ द ट्रस एनालिसिस का मतलब सिंपली हम क्या फाइंड आउट करेंगे फोर्सेस फाइंड आउट ठीक है सभी को क्लियर है किसी को क्लियर नहीं हुआ तो कॉल करके पूछ लेना मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ कोई भी डाउट स्ट्रक्चर से रिलेटेड चाहे मैं आप मेरे यहाँ पे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं तब भी पूछ लेना चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेंट ट्रसेस एनालिसिस का मतलब बताया मैं फाइंडिंग द फोर्सेस तो देयर आर टू मेथड टू एनालाइज द ट्रस ट्रस के एनालिसिस के लिए देयर आर टू मेथड्स कौन सी एक है मेथड ऑफ जॉइन एक कौन सी मेथड method of joint and another method is method of section dusri method kaun si method of section to there are two method jiski help se hum trusses ko analyze kar sakte hain analyze matlab usme hue forces calculate kar sakte hain ya to aap method of joint ka use kar sakte hain ya method of section ka use kar sakte hain ab ye method hai kya isko detail mein understand karenge hum ki ye method of joint kya hai ki method of section kya hai इसको स्पेशली अंडरस्टैंड करो ये मेथड ऑफ सेक्शन और कुछ नहीं है इसका ही पार्ट है ये मेथड ऑफ जॉइंट जो है ना और कुछ नहीं है मेथड ऑफ सेक्शन का ही सब पार्ट है कैसे वो जब मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे इसका पार्ट है चलिए तो फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ जॉइंट उस मेथड का नाम क्या है मेथड ऑफ जॉइंट क्लियर तो फर्स्ट मेथड मेथड ऑफ जॉइंट तो इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कोई भी अगर ट्रस नहीं इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी अगर ट्रस नहीं लेते ठीक है Let us suppose this is the truss. ये हमारा truss. And I am applying the load over here. यहाँ पे मैं load apply कर रहा हूँ. And because of this application of the load, there will be a development of forces in the member of the truss. सारे member में क्या develop हो जाएंगे? Forces develop हो जाएंगे. अब ये forces मुझे calculate करना है. उसी को तो मैंने analyze किया है. और उसके लिए method कौन सी use करेंगे? Method of joint. कौन सी method use करेंगे? Method of joint. अब ये method of joint के नाम से ही समझ में आता है कि इस method में हम फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे जॉइंट का विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट किसका इक्विलिब्रियम जॉइंट का तुम्हारे पास कितने जॉइंट है 1 2 3
चार पांच बराबर। तो आप कोई भी जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हो, किसके लिए? फोर्सेस निकालने के लिए। किस में? मेंबर, मेंबर में फोर्सेस निकालने के लिए आप किसी भी जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हो। ये फिलहाल मेरा इनिशियल स्टेटमेंट है, अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसको समझते मैं बोल रहा हूं, यू विल बी कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। किसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करोगे? जॉइंट का, बराबर है। तो हमारे पास ये ट्रस टू डी स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है? टू डी स्ट्रक्चर। तो इन इक्विलिब्रियम हमारे पास कितनी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की इन टू डी स्ट्रक्चर? या थ्री कंडीशन। हमें कंडीशन थ्री, कौन सी? समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफवाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन है हमारे पास, क्लियर है? कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन। तो जब जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसिडर करोगे तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि जॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है, फिलहाल हमारे लिए वो स्ट्रक्चर ट्रस है, हमारे लिए वो स्ट्रक्चर क्या है? ट्रस है। तो अगर पूरा का पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर एक टुकड़ा, कितने भी टुकड़ों में काटो उसको, तो यहां से काट के अलग रख दो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, कहीं से नहीं काटो, हर एक टुकड़ा किसमें होगा? इक्विलिब्रियम। उसका हर एक टुकड़ा किसमें होगा? तो अगर एंटायर स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो उसका इंडिविजुअल पार्ट भी किसमें होगा? इक्विलिब्रियम। किसमें होगा? इक्विलिब्रियम। तो इन मेथड ऑफ जॉइंट आई एम गोइंग टू कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री जॉइंट, आई एम गोइंग टू कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री जॉइंट, आई कैन कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री जॉइंट, आई कैन कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री जॉइंट। मैं किसी भी जॉइंट की क्या कंसीडर कर सकता हूं? इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं किसकी करूंगा ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल। अब पहला सवाल तो यही होता है मैं किसकी करूंगा। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जिस भी मेंबर में मुझे फोर्स निकालना है, चाहे ये वाला मेंबर हो ए बी नाम दे दो उसको, चाहे ये वाला मेंबर हो बी सी नाम दे दो उसको, ए सी नाम दे दो, जब भी आप जॉइंट मेथड से उस मेंबर में फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ऐसा ही जॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें ये मेंबर आता है, जिसमें क्या मेंबर आता है। तो क्या डायरेक्टली जाएंगे क्या ऐसे जॉइंट पे? चलो मान लेते गए हम ऐसे जॉइंट पे, यहाँ पे आप, तो यूजिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मैं इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेता, मान लेते कि हम इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते और अगर एंटायर स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो ये जॉइंट भी किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, बराबर है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो चलो इसी को सेटिस्फाइड करके देखें। तो इस जॉइंट का मैं इक्विलिब्रियम ले रहा हूं, इस जॉइंट को काट रहा हूं और अच्छे उसकी फ्री बॉडी डायग्राम, तो दिस इज द जॉइंट, देयर वाज वन मेंबर लाइक दिस, यहां से एक मेंबर आ रहा था और यहां से, ठीक है, ये मेंबर हमारा कौन सा था? ए सी था, ये ए बी था, इसको कोई भी नाम दे, ए डी थी, ये ए डी था, ठीक है। तो हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग उसमें क्या एक्ट हो रहा होगा? फोर्स एक्ट हो रहा होगा, यानी ए बी में भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो हम मेंबर को उसके फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। Let us suppose it will be F AB, इसको मान लेते F AC और इसको मान लेते F AD, इसको क्या मान लेते F AD। तो अगर मुझे ये forces निकालने एक दो और तीन, मेरा main aim तो इसको calculate करना, clear? मैं इसको calculate करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ये भी नहीं पता है मेरे को और ये भी नहीं पता है, तो यानी मेरे लिए तीनों unknown हो गए, clear? और using the condition of equilibrium अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमारे पास कितनी condition? तीन कंडीशन है। इसका मतलब तीन कंडीशन को यूटिलाइज करके हम तीन अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? यही मतलब निकला सकते। लेकिन अगर आप फिर से ध्यान से जाओ तो ये सारे मेंबर यही से पास हो, ये सारे मेंबर इसी जॉइंट से पास हो, तो अगर सारे मेंबर यही इसी जॉइंट से पास हो रहे हैं तो ये भी इसके अबाउट जीरो मूवमेंट देगा, ये भी इसके अबाउट जीरो मूवमेंट देगा और ये भी इसके अबाउट क्या देगा? जीरो मूवमेंट देगा। तो तीनों फोर्सेस इसके अबाउट क्या देंगे? जीरो मोमेंट देंगे, यानी इस सिचुएशन को यूटिलाइज करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो निकल के आएगा। तो हमें इस सिचुएशन से कोई अननोन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट एनी अननोन यूजिंग दिस थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके कोई अननोन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर इसका वो इक्वेशन आपने अप्लाई कर दिया, ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो निकल के आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर वो इक्वेशन तो यूज कर नहीं सकते। यानी अगर जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करने गया तो आप सिर्फ कितने अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं?
दो ही अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं? दो। दो से ज्यादा आप इन मेथड ऑफ जॉइंट में दो से ज्यादा अननोन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? दो से ज्यादा नहीं कर सकते। तो यही से इसका मेन पॉइंट निकल गया। विल कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ दो जॉइंट। हम उसी जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे जहां पे सिर्फ कितने अननोन हो? दो। क्योंकि इसको यूटिलाइज करके हम कितने अननोन निकाल सकते हैं? दो अननोन। कितने अननोन निकाल सकते हैं? दो। तो हम उसी जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे जहां पे कितने अननोन है? दो अननोन है। कितने अननोन है? दो। ऐसा जॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? तो आप उसी जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हैं जहां पे कितने अननोन है? दो। अगर आप देखो यहां पे कितने, एक दो तीन, ये जॉइंट पे जाओगे तो कोई कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि दो ही कैलकुलेट कर सकते हो। अननोन कितने? तीन है। इस जॉइंट पे जाओगे यहां पे भी कितने अननोन है? एक दो तीन, वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इस जॉइंट पे जाओगे एक दो तीन चार, और ये पी लगा है तो चलो पी नोन है, नोन है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी वो चीज आपको पता है। अगर मेरे को इसमें से एक भी फोर्स पता होता तो मैं इस जॉइंट को कंसिडर कर सकता, क्योंकि मेरे पास अननोन कितने बचते थे? दो ही बचते। अगर ये पता होता तो अननोन कितने बचते? ये बचता और ये बचता। तो अगर मुझे उसी प्रकार इसमें से कोई फोर्स निकालना है, एक पता है तो दो मैं निकाल सकता। यहाँ पे देखो आप, एक पता है लेकिन चार अननोन है, निकाल नहीं पाऊंगा मैं, तो फिर किस जॉइंट का पकड़े? तो हमारे पास एक जॉइंट बच गया और एक जॉइंट बच गया। तो अगर आप देखो तो इसमें एक रिएक्शन आएगी बराबर, और यहाँ पे दो जॉइंट, दो फोर्सेस आएंगे, इस मेंबर का एक फोर्स और इस मेंबर का एक फोर्स। तो यहाँ पे कितने अननोन हो गए? तीन अननोन। यहाँ पे कितने अननोन हो गए? तीन। कब? जब हमने रिएक्शन निकाली। हमने क्या नहीं निकाली? रिएक्शन नहीं निकाली। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे? पूरे ट्रस को इक्विलिब्रियम कंसीडर करके क्या निकालेंगे? सपोर्ट रिएक्शन। क्या निकालेंगे? विल बी कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। कंसीडरिंग एंटायर स्ट्रक्चर और एंटायर स्ट्रस इन इक्विलिब्रियम, सबसे पहला टास्क हमारा यह होगा कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सपोर्ट रिएक्शन। अब इनिशियल स्टेज में हो इसलिए हर एक चीज बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे चल के जब डील करेंगे कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे, सीधा निकल के आ जाए। तो जब आगे चल के पढ़ेंगे खुद ही कुछ समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनिशियल स्टेज में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो अगर मैंने पूरे के पूरे ट्रस्ट को इक्विलिब्रियम मान के सपोर्ट रिएक्शन निकाल दी तो ये तो चीज मेरे लिए नोन हो जाएगी। अब निकाल के देखते हैं इसके लिए। देखो ये पी मिडल में लगा है तो इट विल कैरी पी बाय टू। अब ये इसमें भी कितना है? पी बाय टू। दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे लगा है। मान लेते दोनों का स्पैन अलग अलग। क्लियर? तो अब आपको ये चीज पता चल गई। ये चीज क्या हो गई? पता चल गई। तो अब हम दोनों में से किसका पकड़ेंगे? फिर से सवाल देखिए, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन और साथ में कौन सी आएगी? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। फिर से तीन अननोन हो जाएंगे, एक दो और तीन। फिर से कितने अननोन हो गए? तीन अननोन। यानी अब हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज बची है, कौन सी? इसको क्या? तो विल बी कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस जॉइंट। हम किसकी इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे? इस जॉइंट। जबकि मुझे फोर्सेस किस में निकालने थे? ए बी में। मुझे फोर्स किस में निकालना है? ए बी में। तो मैं पहले इसकी इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा और इन दो मेंबर में फोर्स निकालूंगा, और जैसे ही इसमें फोर्स आ जाएगा फिर मैं इस जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा। इसका कंसीडर करूंगा इस जॉइंट का, क्योंकि ये पता होगा और ये दो निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है। ये पता जैसे ही चल गया हम इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यूजिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी अननोन्स, ओनली टू अननोन्स, क्योंकि थर्ड इक्वेशन जॉइंट पे वैलिड ही नहीं होगा क्योंकि 0 = 0 थी। क्लियर है? चलिए तो इसी में मेथड ऑफ जॉइंट के सीधे सीधे पॉइंट बना। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी उसको दो तीन पॉइंट में डायरेक्टली अंडरस्टैंड करें। कैसे? तो ये समझ में आ गया कि इन मेथड ऑफ जॉइंट, जो हमारी सबसे पहली मेथड कौन सी है? मेथड ऑफ जॉइंट। कौन सी है? मेथड ऑफ जॉइंट। क्लियर? तो इन मेथड में ये क्लियर हो गया। तो विल बी कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। हम किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे? विल बी कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ, किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। हम किसका इक्विलिब्रियम करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया क्या? कंसीडरिंग द
entire truss in equilibrium, सबसे पहले क्या निकालेंगे? Support reaction. क्या निकालेंगे? Support reaction. तो considering entire truss in equilibrium, first point और first task जो होगा हमारा, हम क्या calculate करेंगे? Support reaction. और दूसरा, consider the equilibrium of both joint. यहाँ पे दो joint कौन सा आ रहा था? Corner पे आ रहा था. हम उसी joint की equilibrium consider करेंगे, जहाँ पे कितने unknown हो? दो, not more than two. क्योंकि दो से ज्यादा अगर हो गए आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए. क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक. तो ये दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और इसी के बेसिस पे हम मेथड ऑफ जॉइंट का यूज करके सवाल सॉल्व करेंगे. क्लियर है? ठीक है, चलते हैं. तो दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा. कौन से? पूरे ट्रस को इक्विलिब्रियम मान के पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालिए, और उसी जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर करनी है जहां पे कितने अननोन हो? सिर्फ दो, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास. तीसरा क्या हो जाएगा? जॉइंट इनवैलिड हो जाएगा. जीरो इज इक्वल टू जीरो निकल गया. ठीक है, अब उसके पहले दो पॉइंट बताता हूं, सुन लीजिए, आसान हो जाएगा. कैसे? फर्स्ट पॉइंट कौन? नोट के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझ. लेट अस सपोज ट्रस का ऐसा कोई जॉइंट है जहां पे तीन मेंबर, कितने मेंबर है? तीन. और वो तीन मेंबर कैसे? ऐसे जो मैं बता रहा हूं, ऐसे है तीन. ठीक है, दो कोलिनियर है और थर्ड इज डायरेक्शन. लेट अस सपोज मेकिंग एन एंगल थीटा, कोई एंगल बना रहा है. तो कोई भी ट्रस का जॉइंट पकड़ा मैंने और इसमें तीन मेंबर ऐसे है और तीन मेंबर इस जॉइंट पे क्या दे रहे? फोर्सेस दे रहे. लेट अस सपोज इसको मैं F1 मान लेता हूं, इसको F2 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं? F3. बराबर? ठीक. तो अगर ये ट्रस का जॉइंट है तो हमें पता है ट्रस किस में? पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में. तो ये जॉइंट भी किस में होगा? अगर पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो ये जॉइंट भी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में. और ये जॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा इक्विलिब्रियम की? व्हिच इज समेशन ऑफ f(x) = 0, समेशन ऑफ f(y) = 0 एंड मोमेंट अबाउट z = 0. ये तो इनवैलिड हो जाता है जॉइंट पे, मैंने पहले बताया आपको. तो यानी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा. क्लियर? तो इस दो कंडीशन को यूटिलाइज करके इनमें से फोर्सेस निकालने की कोशिश. क्लियर? तो लेट अस रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं. इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा? F2 साइन थीटा. और एक क्या बनेगा? इसी में आएगा, ये बनेगा F2 cos थीटा. नाउ फर्स्ट कंसीडर द इक्विलिब्रियम इन द y डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे? y डायरेक्शन. कैसे? समेशन ऑफ fy = 0, समेशन ऑफ fy = 0 आई एम कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस जॉइंट. तो व्हाट आर द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन? कितने फोर्सेस हैं? एक ही है. इट मींस ये खुद ही क्या हो जाएगा? जीरो. कैसे? देखिए, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू जीरो. व्हाट आर द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन? एक ही है, F2 sin थीटा. अगर कोई होता तो ऐड कर देता, रिवर्स डायरेक्शन में होता तो सब्सट्रैक्ट कर देता और बाद में क्या लिखता? जीरो. लेकिन एक ही है तो खुद ब खुद क्या बन गया? जीरो के बराबर. अगर आप देखो तो ये एंगल 90 से कम है तो sin थीटा तो जीरो होगा नहीं. sin थीटा विल नॉट बी जीरो. कौन सा बचा जीरो? ओनली F2 विल बी जीरो. F2 क्या बन जाएगा? जीरो. ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें? इससे हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है क्या? कि अगर किसी जॉइंट पे, ध्यान से सुनिए, अगर किसी जॉइंट पे तीन मेंबर एक्ट हो रहे, कितने मेंबर है? तीन, और उसमें से दो अगर कोलिनियर है, दे आर इन सेम लाइन में है, तो उसमें से दो अगर कोलिनियर है तो फोर्स इन थर्ड मेंबर इज ऑलवेज जीरो. Force in the third member is always zero. तो अगर किसी joint पे आपको ऐसी situation दिख गई जहाँ पे दो member collinear है और third वहीं पे लग रहा है without any external load, इसके ऊपर कोई external load नहीं है, अगर external load होता तो zero नहीं होगा. ठीक है, तो अगर किसी joint पे दो member collinear है तो उस joint पे जो third member होगा वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा? Zero. क्या बन जाएगा? Zero. तो ये note के form में सारी चीजें notes में मिल जाएंगी तुम्हें. किसी जॉइंट पे तीन मेंबर मीट कर रहे, दो कोलिनियर है, फोर्स इन थर्ड मेंबर विल बी जीरो. फोर्स इन थर्ड मेंबर क्या बन जाएगा? जीरो. क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर, चाहे ये कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में लगाओ तुम, ये वाला जो फोर्स है F2, चाहे स्ट्रेट लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, अगर ये दोनों कोलिनियर है तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा. हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा. दूसरी कॉन्सेप्ट, चलिए
और एक ट्रस्ट का ज्वाइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अभी हमने तीन मेंबर देखे थे, अब दो देखते हैं। लेट अस सपोज किसी ट्रस्ट के ज्वाइंट पे दो मेंबर आए, कितने मेंबर एक्ट है, दो, क्लियर। और ये ट्रस्ट का ज्वाइंट है, मैंने अलग से सेक्शन अलग से उसको ज्वाइंट को काटा और आपको इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ उसकी। तो अगर पूरा का पूरा ट्रस्ट इक्विलिब्रियम में है तो ये ज्वाइंट भी किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। यानी ये भी किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इक्विलिब्रियम की, कौन सी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं इस मेंबर में फोर्स एफ वन है, इस मेंबर में फोर्स एफ टू है। तो अगर समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई सेटिस्फाइड करना है तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाओ, यानी ये वाली कंडीशन लगाओ, तो सिर्फ कितने फोर्स, एक ही फोर्स है, ये खुद ब खुद क्या बन जाएगा, जीरो। समेशन ऑफ एफ वाई करोगे, एड ऑल दी फोर्सेस इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एड ऑल दी फोर्सेस, हमारे पास तो एक ही फोर्स है, तो एफ टू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट देन, जीरो। एफ टू क्या खुद ब खुद क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। उसी प्रकार एड ऑल दी फोर्सेस इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हमारे पास कितने फोर्सेस, एक ही फोर्स, तो वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्लियर। यहां से और एक कंफ्यूजन निकला कि अगर कोई ट्रस्ट का जॉइंट ऐसा हुआ जहां पे सिर्फ दो मेंबर मीट करे, कितने मेंबर, दो मेंबर, और वो दो मेंबर नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉन कोलिनियर, क्यों मैं बताता हूं। तो अगर सिर्फ दो ही मेंबर हुए किसी ट्रस्ट के जॉइंट पे, फोर्सेस इन बोथ दी मेंबर मस्ट बी, फोर्सेस इन बोथ दी मेंबर मस्ट बी। अगर अभी मैंने पॉइंट बोला था कि अगर कोलिनियर हुए, अगर कोलिनियर हुए ऐसा कोई जॉइंट आया ट्रस्ट का जहां पे दो मेंबर है लेकिन वो है क्या, कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर, तो ये दोनों जीरो नहीं होंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, वैल्यू कुछ भी हो सकती, लेकिन जीरो नहीं, क्या नहीं होंगे, जीरो, वैल्यू कुछ भी हो सकती। आप समीशन ऑफ एपेक्स लगा के देखो, इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम में, तो ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो ये अगर एफ वन हुआ तो ये एफ टू होगा, मान लेते हैं f1 minus f2 must be equal to 0, f1 must be equal to f2, तो वैल्यू दोनों के बराबर है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, जीरो नहीं है। तो अगर किसी जॉइंट पे दो नॉन कोलिनियर में, ये परपेंडिकुलर बताया मैंने, आप कोई भी ले लो, दो नॉन कोलिनियर कोई भी ले सकते हो, इसलिए नेसेसरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, कोई भी ले लो, चाहे एक ले लो और दूसरा ऐसा ले, ये दो नॉन कोलिनियर हो सकते हैं, हो सकता है कोई दो नॉन कोलिनियर ऐसे आ जाए, तो कोई भी दो नॉन कोलिनियर अगर जॉइंट भी मीट कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड है, क्योंकि लोड हम कहां पे अप्लाई करते हैं, जॉइंट, तो अगर जॉइंट पे लोड नहीं हुआ और वहां पे सिर्फ दो ही मेंबर मीट करे, फोर्सेस इन बोथ दी मेंबर मस्ट बी क्या होनी चाहिए, जीरो, क्लियर। इसको भी चेक कर सकते हो आप, लेट अस सपोज मैंने इसको एफ1 माना और इसको एफ2 माना, क्लियर। इस फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये अगर एंगल थीटा मानते हैं हम, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, f2 sin थीटा, f2 sin थीटा, क्लियर। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, f2 sin थीटा, अप्लाई करके देखो इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ fy = 0, और fy में सिर्फ एक ही फोर्स है हमारे पास, f2 sin थीटा, f2 sin थीटा में sin थीटा 0 हो नहीं सकता, कौन 0 हो, क्लियर। तो चाहे परपेंडिकुलर रहे या किसी भी डायरेक्शन में रहे, सिर्फ एक छोड़ के नॉन कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, अगर कोलिनियर हुए तो इक्वल होंगे, जीरो नहीं, क्लियर। तो किसी भी डायरेक्शन में लगे एक्सेप्ट वन कंडीशन जो मैंने बताई कोलिनियर की, अगर वो कंडीशन नहीं है और सिंपली दो ही फोर्सेज मीट करें, फोर्सेज इन बोथ दी मेंबर ऑलवेज बी क्या होंगे, क्लियर। तो दो कंडीशन बताई मैंने मोटे मोटे तौर, कौन कौन सी डिस्कस कर, मोटे मोटे तौर पे दो कंडीशन बताई मैंने, एक कि अगर किसी जॉइंट पे तीन मेंबर मीट कर रहे, कितने मेंबर, तीन मेंबर, दो कोलिनियर है तो थर्ड मेंबर में फोर्स क्या होगा, ऑलवेज इन थर्ड मेंबर फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, चाहे मेंबर किसी भी डायरेक्शन में रहे, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, अगर दो कोलिनियर हो तो फोर्स इन थर्ड मेंबर विल ऑलवेज बी जीरो, क्लियर। और अगर सिर्फ किसी जॉइंट पे सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, सिर्फ दो ही, तो और वो क्या है, नॉन कोलिनियर, वो क्या है, नॉन कोलिनियर, फोर्सेस इन बोथ दी मेंबर मस्ट बी, फोर्सेस इन बोथ दी मेंबर मस्ट बी क्या होनी चाहिए,
क्लियर है? ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, पीछे वाली जितनी कहानी मैंने बताई वो अगर क्लियर है, विल गो इन टू दी एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी एप्लीकेशन एक एग्जाम्पल देख ले, खुद ही समझ में आ जाएंगे आपको कि इसको कैसे अप्लाई, ठीक है? प्रॉब्लम लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द टेस्ट। तो कौन सी मेथड चल रही है? मेथड ऑफ जॉइन। हमारी मेन मेथड कौन सी चल रही है? मेथड ऑफ जॉइन। इनमें उस मेथड में ये दो पॉइंट की हेल्प हो सकती है, इसलिए मैंने वो दो पॉइंट बीच में डिस्कस किया, लेकिन फिलहाल हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? मेथड ऑफ जॉइन, ठीक है। तो चलिए लेट अस सपोज ये कोई ट्रस है, ये कोई ट्रस है, and I am applying the force P हो रही है। यहाँ पे कितना फोर्स लगा? P लगा, ठीक है। A, B, C और D। A, B, C और clear? I want to calculate the force in the member AC। मैं किसमें फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ? AC। किसमें कैलकुलेट करना चाहता हूँ? AC। अब AC कहाँ कहाँ मीट कर रहा है? एक तो यहाँ पे मीट कर रहा है और एक यहाँ पे मीट कर रहा है। तो अगर मैं और मैं मेथड ऑफ जॉइंट में किसी भी जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकता हूँ, सिर्फ उसमें दिक्कत क्या है? अनोन कितने कैलकुलेट होंगे? इसे दो ही अनोन कैलकुलेट होंगे, तो उसके लिए मुझे ऐसा जॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे कितने अनोन है? दो ही अनोन है। लेकिन अगर ये जॉइंट, ये जो मेंबर है हमारा, वो ऐसे जॉइंट पे मीट कर रहा है जहां पे दो अनोन नहीं है, तो हमें दूसरे जॉइंट से उधर पहुंचना पड़ेगा। मुझे हो सकता है इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसिडर करनी पड़े, फिर ये फोर्स निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ये आपको पता है, तो दो कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? हो सकता है मैं इसकी डायरेक्टली कंसिडर करूं, लेकिन ये भी अनोन है, ये भी अनोन है, ये भी अनोन है, तो तीन अनोन हो गए, फिर से इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम नहीं कंसीडर कर सकता। तो मुझे अगर फोर्स ये निकालना है तो मुझे यही से जाना, और यही से जाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इस पी कंसीडरिंग एंटायर ट्रस इन इक्विलिब्रियम, पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालूंगा। तो क्योंकि सेंटर में मान लेते हैं, तो इसका भी पी बाय टू आएगा और इसका भी क्या आएगा? पी बाय टू आएगा। क्लियर? अब आप इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते, अब आप इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अननोन कितने हैं? सिर्फ ये एक मेंबर और ये एक मेंबर, ये चीज तो आपको पता चल गई। दो अननोन हैं, इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर करके दो अननोन निकाल सकते हो। कंसीडर करो इसकी इक्विलिब्रियम। एक मान लेते ये वाला मेंबर आ रहा था इम्प्लांट से, एक ये वाला और एक आ रहा था ये वाला, जिसकी वैल्यू में क्या है पता है? कितनी? पी बाय टू। अब यहाँ पे आप समेशन ऑफ एफेक्ट्स लगाओ और समेशन ऑफ एफ वाई लगाओ, ये दो कंडीशन लगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करो और इसका वर्टिकल कंपोनेंट करो, और समेशन ऑफ एफ एक्स लगाओ और समेशन ऑफ एफ वाई लगाओ, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको इसमें से भी फोर्स मिल जाएगा और इसमें भी फोर्स। तो मान लेते फिलहाल कि मैंने कैलकुलेशन की, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, इसके लिए डरना नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएगा, इनिशियली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट गेन करना। तो मान लेते इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम मैंने कंसीडर की और मुझे यहाँ का भी फोर्स पता चल गया, तो लेट अस सपोज मान लेते एफ1 पता चल गया और यहाँ पे मुझे एफ2, क्लियर? क्या अब मैं इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एफ2 मुझे पता है, तो इसकी अगर इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा तो अनोन कितने रहे? एक और दो, क्लियर? क्या अब मैं इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे को पता है, ये भी ऑलरेडी पता था, तो बचे कितने अनोन? दो अनोन, ये मुझे चाहिए था तो निकल के आ जाएगा, क्लियर? तो आप इस तरह से जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते, क्लियर? ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करना ही नहीं, मैं आपको सिर्फ मेथड एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैंने इतना डिटेल बताया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मैंने किसने फोर्स पूछा है? आई एम आस्किंग द फोर्स इन द मेंबर एसी, और ये एसी का एक जॉइंट है सी, दूसरा जॉइंट क्या है? ये आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दो मेंबर है और तीसरा भी है, एंड टू आर इन कोलिनियर, दोनों क्या है? सेम लाइन में, तो फोर्स इन थर्ड मेंबर विल बी जीरो। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था पीछे कि अगर कोई जॉइंट पे तीन मेंबर है और दो कोलिनियर है, तो फोर्स इन थर्ड मेंबर विल ऑटोमेटिकली बी जीरो। क्या हो जाएगा? खुद को जीरो। और ये मैंने पॉइंट आपको मेथड ऑफ जॉइंट को समझने के लिए बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पहले इस जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर करनी पड़ेगी, फिर हम इधर जा पाते, डायरेक्टली जा नहीं पाएंगे, क्योंकि दो से ज्यादा अननोन हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। क्लियर? चलिए कोई और एक एग्जांपल देखिए।
तो मान लो ये ट्रस्ट मैंने पता इंक्लाइन मेंबर होना मस्ट है ट्रस्ट में, क्योंकि ये किसके एक्शन को कैरी करता है, शेयर की। ये मेंबर नहीं दिया कॉन्स्टेबल हो जाएगा ट्रस्ट। लेट अस सपोज दिस इज द लोड एक्टिंग ओवर द जॉइंट, ये लोड एक्ट कर रहा है जॉइंट पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मेंबर ए है, ए बी है, सी, ठीक है। आई वांट टू कैलकुलेट द फोर्स इन द मेंबर ए, मैं किसमें फोर्स निकालना चाहता हूं, ए बी, किसमें निकालना चाहता हूं, ए बी। ए बी मेंबर इस जॉइंट से कनेक्टेड है और इस जॉइंट से कनेक्टेड है, तो मैं दोनों में से किसी की भी इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकता हूं। मैं इसकी भी कर सकता हूं, इसकी भी कर सकता हूं, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट क्या कहता है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। लेकिन उसी जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंसीडर करनी है, यहां पे कितने अननोन है, दो, यहां पे तो एक दो तीन, तीन अननोन हो जाए, तो विल नॉट बी कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस जॉइंट। हम इसकी इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम किसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर। और फिर से मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि अगर दो किसी जॉइंट पे दो नॉन कोलिनियर मेंबर मीट कर रहे हैं तो फोर्सेस इन बोथ द मेंबर विल बी क्या हो जाएंगे, जीरो। इट मींस फोर्स इन द मेंबर विल बी ऑटोमेटिकली क्या बन गया, फोर्स इन द मेंबर ए बी विल बी ऑटोमेटिकली जीरो, ठीक है। अब आप किसी भी मेंबर में फोर्स निकाल सकते, देखिए जैसे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, हमारे पास बचा गया ये बचा, ये बचा और ये फोर्स बचा, तो ये जीरो हो गया तो ये तो हट गया, फिर बचे कितने, एक दो और तीन, तो ये 10 इसके लाइन में है, फिर से टू आर इन लाइन, थर्ड मस्ट बी जीरो। ये दो किस में आ गए, लाइन में आ गए, तो ये थर्ड दो दिया हो जाए जीरो हो जाए। तो ये 10 को कौन कैरी कर रहा है, ये भी एसी मेंबर कैरी कर रहा है, 10 को कौन कैरी कर रहा है, तो अगर आपको एसी में भी फोर्स पूछा तो ये जीरो हो गया, बचा कौन सा, ये भी जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया, क्योंकि ये 10 और ये सी, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, तो बचा कौन सा, थर्ड, तो टू आर इन लाइन, थर्ड मस्ट बी जीरो। ये जीरो हो गया, यानी इस ट्रेन को सिर्फ कौन कैरी कर रहा है, इंक्लाइन, कौन कैरी कर रहा है। तो बड़ा आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बड़े आसान। अब तो ये सपोर्ट रिएक्शन भी निकल के आएगी, देखो अगर ये इस मेंबर में फोर्स जीरो है तो ये सपोर्ट रिएक्शन भी खुद क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि देयर विल बी नो वर्टिकल फोर्स एट दिस पॉइंट, और वर्टिकल रिएक्शन भी कुछ भी नहीं है, क्लियर है। यू कैन कैलकुलेट इन, यू कैन कैलकुलेट फोर्सेस इन एनी मेंबर ऑफ ट्रस। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे, ये फिलहाल मैंने ऐसे आपको एक डेमो लेक्चर के तौर पे दिया है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना चाहता हूँ। इसके आगे वाला पार्ट आप अगले लेक्चर में डिस्कस करें, डोंट वरी, पूरी की पूरी सिलेबस अच्छे से कवर कर दी जाए। तो मैं एनसी अकेडमी की तरफ से दो चार इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ। पेपर वन के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, आई विल बी टीचिंग सॉन्ग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, प्रिस्टल, स्टील स्ट्रक्चर, तो मोस्ट ऑफ दिस पेपर वन मैं ही खुद कवर करता हूँ। हमारी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रही है 25 जुलाई से, हो सकता है एक आधा दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन मैक्सिमम है कि 25 जुलाई को स्टार्ट होता है, 25 जुलाई को स्टार्ट होने वाली है। हमने इस बैच में दो चीज़ें की, एक पूरा का पूरा पेपर वन कवर करेंगे, विल बी कवरिंग एंटायर पेपर वन, और साथ में प्रीलिम भी कवर करेंगे, साथ में क्या कवर करेंगे, प्रीलिम्स। तो पेपर वन के साथ साथ हमारी प्रीलिम भी चलेगी, और ये बैच 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, और अप टू 23 सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 1 अक्टूबर, 23 सितंबर टू 1 अक्टूबर हमारा पेपर वन अलॉन्ग विथ प्रीलिम पूरा कम्प्लीट होगा। और ये दोनों मिला के पहले स्टेज में सिर्फ फीस है इसकी 7,500, कितनी है, 7,500। तो एन सी एकेडमी अमरावती में 6 साल से है, 6 साल से कंसिस्टेंटली बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पास होके गए। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ऑफलाइन नहीं हो सकता तो आप ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए, हम रुक नहीं सकते, हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है 1 नवंबर, तो बैच को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमने सोचा कि पेपर वन करवा देते, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी डिमांड आ रही थी कि सर हमारी प्रीलिम नहीं होगी, तो प्रीलिम नहीं करेंगे, प्रीलिम अगर हुई नहीं तो पेपर वन में जाके क्या करेंगे। तो हमने साथ में ये भी सोचा कि हम उन स्टूडेंट को प्रीलिम भी साथ में दे देते, तो ये कम्प्लीटली आपको 7,500 में प्रीलिम विद पेपर वन इन मेंस ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। पेपर वन में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, एक दो सब्जेक्ट हो सकता है दूसरे टीचर पढ़ाए या डायरेक्टर पढ़ाए एनसी अकेडमी के, तो कोई भी पढ़ा सकता है। और प्रीलिम ऑल टुगेदर प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचर, मैथ्स के लिए अलग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, सिविल के लिए अलग है, चाहे आपका मराठी इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, तो वो प्रीलिम आपकी साथ में मेंस में कवर कर देते। तो ये एनसी अकेडमी तरफ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि
25 जुलाई से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई अदर डाउट है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मोर वीडियोज आपको उसी लिंक में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।